हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIIB 19 एग्ज़ाम के लिए आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग जो है इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर पाओ। सो वो हम डिस्कस करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। सो गाइस, अगर आप में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जो AIIB 19 एग्ज़ाम देना चाहता है, जिसको AIIB 19 एग्ज़ाम देना है, सो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। अदरवाइज़ बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप लोग अपने प्रिपरेशन पर फोकस नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका ओवरऑल जो ध्यान है वो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन पर चला जाएगा कि किस तरीके से करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है। सो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। सो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को अपना जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करना है कम्प्लीटली। आप लोगों को सबसे पहले अपने जो सिलेबस है उसको पढ़ना है कि क्या इस सिलेबस में कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी ज़्यादा वेटेज वाले, जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप लोगों को पहले अपने उनकी प्रिपरेशन करनी है। देन आप लोगों को लो वेटेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो ऐसा क्यों? बिकॉज जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों के 3-4 ऐसे मार्क्स के हैं। सो आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वो आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट से आप लोगों ने की है, ठीक है। सो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आप लोगों का, CPC हो गया, CRPC हो गया, एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, एविडेंस हो गया। सो ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा वेटेज के हैं, जिनके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इससे जो है आप लोगों की जो एग्ज़ाम में मार्क्स लाने की वो है वो ज़्यादा हो जाती है, आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं दैट विल बी कवर्ड इन द एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को पहले आप लोगों को अपने सिलेबस को समझना है कि क्या सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, क्या आने वाला है, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में से आने वाले हैं। एक्विंट योर सेल्फ विद द AIIB एग्ज़ाम पैटर्न। फिर उसके बाद सेकेंड चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में नहीं है। दिस विल गिव यू डिटेल्ड आइडिया ऑफ हाउ द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ड्यूरेशन एक्सेट्रा। सो जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं, जो भी आज से पहले एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखना है, उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, अपने मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, जिससे कि आप लोगों की जो स्पीड है एग्ज़ाम के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाए जब तक कि एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, ठीक है। सो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाएगा, और जिसमें कि आप लोगों को 45 मार्क्स ही इस एग्ज़ाम के अंदर लाने होते हैं। पहले 40 होते थे, बट अभी 45 मार्क्स आप लोगों को लाने होते हैं। जनरल कैटेगरी वाले, SC ST कैटेगरी वालों को जो है 40% मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर टाइम टेबल। फिर आप लोगों को थर्ड चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप लोगों को अपने टाइम टेबल फॉलो करना है टू अडियर आप लोगों को टू इट, ठीक है। सो फॉलोइंग अ टाइम टेबल विल मेक यू कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड। सो अगर आप लग ऐसा करोगे कि आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाया कि कल मुझे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट करना है कवर, मुझे कल केस लो करनी है, लैंडमार्क केस लोस करनी है, सो इससे जो है आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अटैम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, उनका पैटर्न देखना है कि किस तरीके से क्या कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन किस पेपर में रिपीट हुए हैं, ठीक है। टेक टाइमली ब्रेक्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, टेकिंग प्रॉपर ब्रेक्स विल एंश्योर कैंडिडेट्स हैव रिलैक्स्ड माइंड लीडिंग टू बेटर कंसंट्रेशन। सो कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो ज़्यादा बेटर हो पाए। सो अपना एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए, अपने सिलेबस को समझिए, उसको फॉलो कीजिए, और डेली अपने टाइम टेबल जो आपने की बनाया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। जितने लैंडमार्क केस लॉज आप लोगों को पता है कि केस लॉज जो इस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, सो आप लोगों को केस लॉज भी इसके अंदर करने हैं। और एक सपोज आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर कोई सॉल्व कर रहे हो, तो उसको इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो
और प्रॉपर जितना टाइम आप लोगों को वहाँ मिलता है 3 आवर्स कुछ मैक्सिमम जितना भी टाइम मिलता है उतने टाइम में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना कि 10 मिनट्स आप लोगों ने 10 क्वेश्चन किए फिर आप लोगों ने 20 मिनट बाद जो है 10 क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं करना। उससे आप लोगों को स्पीड एक्यूरेसी मतलब जो स्पीड है आप लोगों की उसका पता नहीं लग पाएगा। सो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो हमारा लोन टिप्स के नाम से टेलीग्राम पर चैनल उसको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।